सिद्धियाने वाला भविष्य मुसी के हरिपोत नाम सहोद रहता हूँ। रोकी पड़ी गया हमें प्रभु ने और भी एक दिन एकत्र होकर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए। और इतना ही नहीं, जो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन उसे सीखने के लिए हमें मौका मिला। मैं ये सोचता हूँ करीब 100 साल से भी अधिक कुछ कुछ भाषा में बाइबल हमारे घरों में आते हुए हो गया है ना। अरे ये बाइबल नहीं मिला होता तो हम कभी भी ये सच्चाई को जैसे आज जान पाता है ऐसा कभी नहीं जानना था। लेकिन आज मैं आपको बोलता हूँ, आज तकरीबन एक घर में कितना लोग है उसे नंबर्स के अनुसार देखेगा तो उससे अधिक बाइबल है ना। पर एक समय में मुश्किल से एक घर में एक आधा बाइबल भी है तो बहुत अजंबा बात था शुरुआत के दिनों में है। पर जो आज मैं सोचता हूँ हर एक घर में और मानो 4 लोग हैं तो 8 बाइबल मानो बाइबल का संख्या मानो ज़्यादा है इतना, ऐसा मानो कोई घर नहीं जो लोगों को संख्या से कम है। मानो इस प्रकार लोगों के पास बाइबल है तो प्रभु का वचन हमारे पास पहुंच गया तो कितना धन्यवाद है ना। वचन के द्वारा हमें प्रभु ने अपनी इच्छा प्रकट करता है। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु ने हमें दिया हुआ सबसे बड़ा 3 दान, सबसे पहली बात पुत्र को हमें दान दिया, दूसरा पवित्र आत्मा को हमें दान दिया, तीसरा प्रभु ने अपना वचन हमको दान दिया है ना। ये 3 दानों के लिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु का दान तो अनगणित है, बोलने का अर्थ मुख्य दान है, ये बहुत महत्वपूर्ण दान है। तो आज भी प्रभु का वचन से हमें सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। तो हम लोग ध्यान कर रहा था और शैनी भी कहता उसका दस अध्याय का 12 बजे शुरुआत में पढ़ेंगे। अपने लिए धन का भी को सब करुणा के अनुसार से चाटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। देखो हम लोगों ने पिछले दिनों में 2 बात को देखा था है ना, यहाँ पर 4 पॉइंट में 2 बात हमने देखा, एक पड़ती भूमि को जोतो और तीसरा मतलब धर्म का बीज बो। प्रियो आज हम तीसरा और चौथी बात को देखने के लिए चाहता है तो आज ये विषय को हम कदम कर सकता है। यहाँ पर बोलता है खेत काटो, क्या करना है खेत काटो। अभी खेत काटना है, जब बोने का काम हो गया तो काटना है ना। बोने में हम कभी भी धीमा नहीं होना चाहिए ना, बोने के अनुसार काटनी है, बोने के अनुसार काटनी है। देखो जो बोएगा वही काटेगा और जितना बोएगा उसे कई गुना अधिक काटेगा और बोने वाला ही काटेगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये इसका एक नियम है। यहाँ पर जब हम 126 भजन संहिता उसका 5 और 6 भजन 126 भजन संहिता उसका 5 और 6 भजन में का जो आंसू बहाते हुए बोते हैं हाँ देखा, आंसू बहाते हुए बोने वाला कैसे उसको काटेगा, जय जयकार करते हुए हाँ बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए परंतु वह फिर कुड़िया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा, निश्चय लौट आएगा। देखा जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। प्रियो हमारे जीवन में हमें बात को देखना है, अभी ये छोटा सा जीवन मैंने आपको पिछले में भी बोला ये समय बोने का समय है, एक काटने का समय आ रहा है। अभी एक प्रकार बोलेगा तो मानो दुनिया की रीति में देख करके आनंददा का काटने काटने का टाइम अभी हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी लोग इतना दुख मुसीबत में है, अभी उन लोग सच्चाई का प्यासा है। अभी बराबर अगर बोलेगा तो उन आत्माओं को जीतने का सुंदर वक्त है, लेकिन लोग उस बात को इतना नहीं समझता। जो हमारे जीवन में यीशु मसीह ने बोला ना, जब योहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय योहन्ना उसका 4 अध्याय का 35-36 वचन पढ़ना, योहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का 35-36 क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं, देखो मैं अब तुमसे कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, अपनी आंखें उठा करके खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन
देखा अनंत जीवन के लिए वो फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद रहे। देखो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये समय जो है अभी बहुत लोग बहुत प्रकार शायद थके लगता है, प्रभु का कार्य करने में उत्साह कम हो गया, परंतु प्रियो आपके जीवन में एक थकावट का अनुभव आने नहीं देना। कहीं ना कहीं रीति में थकावट लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, क्योंकि अभी प्रतिकूल अवस्था बढ़ते जा रहा है ना, आत्मीय जीवन की संगति हमें बहुत कम मिलेगा, सत्य वजन हमें कम मिलेगा, कई प्रकार लोगों को दुखी निराश कर सकता है, लेकिन प्रभु के लोग एकदम उत्साही होना चाहिए, एक सच्चा दर्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें उन भले कामों के लिए सज्जा है तो उन भले कामों में, अभी लोग बोलेगा हम भले काम करते करते थक गया, अभी भी हमारे जीवन में बुराई होता है, इसलिए चक्र नहीं पी ना। एक दो वजन दूसरा थसलोनी क्यों तीसरा अध्याय का 13 वजन पढ़ना, दूसरा थसलोनी क्यों उसका तीसरा अध्याय का 13 वजन, देखा भलाई करने में साहस ना छोड़ो, देखो भलाई करने में साहस ना छोड़ो, मतलब बुराई कितना भी बढ़ने के बावजूद भी आप भलाई करते रहना। उसके साथ और एक वजन पढ़ना, मतलब दूसरा इतिहास चरित्र, मतलब दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 15:7 दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसका 7 वजन, परंतु तुम लोग या बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, देखा तुम या बांधो तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा, मिलेगा तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आया हुआ लोग किसी भी कारण तकना नहीं चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया हुआ एक मानव संभव है, एक व्यक्ति बहुत से साल प्रभु का सेवा किया, सेवा करते करते वो कैसा करता था, ट्रैक्टर बांटता था है ना, रोज ट्रैक्टर बांटता था, खूब ट्रैक्टर बांटता था, लेकिन उन्होंने देखा कोई आत्मा जीत नहीं पा रहा है तो थक गया, उन्होंने ट्रैक्टर बांटना बंद कर दिया। तो मानव 6-7 साल के बाद में वही सड़क में वो जा रहा था पैदल, जाने के टाइम पर किसी व्यक्ति ने उसको एक ट्रैक दिया, अभी उसने बोले यार क्यों ये बर्बादी का काम करता है, हैं मतलब मैं तो कई साल ट्रैक बांटा एक भी आत्मा जीत नहीं पाया, इसलिए मैंने 6-7 साल से छोड़ दिया। बोला आपने काम पर बांटा, बोला मैं इसी सड़क पर बांटा, तो बोला आपने ही मुझे ट्रैक दिया था, मैं उसके द्वारा उधार पाया, अभी मैं 7 साल से बांट रहा हूँ, देखा अभी उसको ये आदमी नहीं मिला, एक्चुअली मतलब ये उनके सामने उधार नहीं पाया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम प्रभु काम करता है। प्रभु एक बात जानना पियो, प्रभु में जो काम है आपको याद होगा जब पराकुरिंदी 15 अध्याय का आखिरी वचन 58 वचन पराकुरिंदी उसका 15 अध्याय का 58 वचन लॉर्ड जीसस, देखा प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्यों, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ प्रियो, प्रभु में जो भी हम परिश्रम किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज हमें इतना भी टाइम मिलता है प्रियो, दिन रात हमें प्रभु का कामों में लेगा रहना हमारा काम है, इसमें हमें थकना नहीं चाहिए, अगर थक जाता है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहुत बड़ी बात क्या है कि अभी हम देख पा रहे हैं कि नहीं, वो नहीं मतलब, ये सब प्रभु ने जो वचन दिया वो वचन और वायदा के अनुसार उस दिन में अभी हमें नहीं प्रतिफल मिलेगा, लेकिन एक दिन प्रतिफल मिलेगा, ये आशा प्रभु के लोगों में है। आज हम जो भी काम करता है ये दुनिया के मतलब से नहीं करता, आनंददा के मतलब से है ना, ये काम को कभी नहीं भूलना। आज जब गलतियों के पत्र उसका 6 अध्याय के 9 वचन गलातियों चैप्टर 6 वर्स में ठीक समय पर हमें कटनी काटने मिलेगा, वो ठीक टाइम कहां है, वो ठीक टाइम कब है, वो जब प्रभु आएगा हमें ले जाने के बाद।
हैं हमें ले जाने के बाद भैया, उस समय में रोने से क्या फायदा, उस समय में पछताने से क्या फायदा। हमारा हरेक पवित्र लोग में आपको बताना चाहता हूं, अभी हम लोग जो भी काम हमारे शरीर में होकर करता है वो सारे बोया हुआ कामों का काटनी काटने का एक दिन आएगा। वो काम रे मालूम है प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने। बहुत बार लोग न्यायासन के बाद सुनते ही बहुत बड़ा मतलब चकित हो जाता है या डर जाता है, कोई डरने वाला बात नहीं थी। न्यायासन के सामने हमारे जीवन में हमने जो वह कार्य किया उस बात का हमको इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, जो हमने बोया था उसका फल मिलेगा। हमने जिंदगी भर जो भी किया उसका सही प्रकार का फल मिलने वाला दिन है। हमें क्या काटनी काटने जा रहा है करके अभी से मालूम करके दौड़ेगा तो कितना अच्छी बात है, हैं? हमारे ही लोगों को जानना, जब दूसरे कुरिंदी 5 अध्याय उसका 10 बजे सेकेंड कुरिंदी चैप्टर 5 वर्स 10 देखिए, प्रभु का न्यायासन के सामने हमारे एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह की न्यायासन के सामने खड़ा होना है। सबको खड़ा होना है, किस लिए? जो भी हमने शरीर में होकर के जो बोया था उसका फल पाने के लिए। ये कोई छोटी बात है क्या? है ना, ये कोई छोटी बात नहीं प्रियो। हमारे एक लोगों को एक दिन प्रभु यीशु मसीह की न्यायासन के सामने खड़ा होना है, ये मतलब उदार पाए लोगों का बात है, ये मंडली की बात है, हम दुनिया की बात नहीं। आम लोगों को जो उदार नहीं पाया उनके लिए एक स्वयं सिंहासन आ रहे, हर दो ये सिंहासन एक इसलिए हमको प्रतिफल पाने के लिए। हमें क्या प्रतिफल मिलेगा उस दिन मालूम होगा। क्यों उस दिन मालूम होगा? क्योंकि उस दिन वो कैसा मेरे परखा जाता है। आपको मालूम है जब पहला कुरिंथी उसका 3 अध्याय उसका 12-13 बजे पढ़ना, यदि कोई इस नियम पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या भूस या रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक के काम को परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा पर वह आग बच जाएगा परंतु जलते जलते। देखिए यहाँ हमरो क्लियर बात बताया है ना। अभी आप देखिए हमारे जीवन में हम प्रभु में होकर के करने वाला हर एक काम, अभी आप प्रभु के संगति में आया इसका भी इनाम है, और तो बहुत लोगों को संगति में आया उसका इनाम मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपको क्या लगेगा? क्या पच्छा भेद है? वो पच्छा भेद नहीं, क्योंकि आपका काम, आप जरूर संगति में आया, अरे तो आपने प्रभु का वजन अपने जीवन में लेने के लिए नहीं आया, हाजिरी लगाने के लिए आया। देखा प्रभु क्या करता, प्रभु हमारा अनेक लोगों का काम को तोलता, प्रभु तोलता, प्रभु का त्राजू में यहां पर आग से परखेगा, आग से परखेगा। अभी हम क्या बोलेगा, अरे हम भी डेली संगति में आता हूं, मानो वजन सुनता हूं। सच बात है, संगति में भी आया वजन भी सुना, पर जो वजन को अपनाया नहीं, उस वजन में बना नहीं रहा, वो वजन के अनुसार चला नहीं। अभी आपको मालूम है एक रेस में भाग लेने वाला बहुत रहता है ना, वो सबको इनाम मिलता है क्या? सबको इनाम नहीं मिलता। जब माना पहला कुरिंथी उसका 9 अध्याय 24-25 वचन देखा, हरेक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। देखा,
मतलब पहले पहले समय में क्या होता, उल्बिक चलता, उल्बिक चलने के टाइम पर उन लोग जो विजयी होता है उनको पत्ते से बनाया हुआ एक मूड मिलता था, है वो पानी के लिए लोग इतना कसर करता, पर हमको ऐसा मुरझाने वाला मुकुट नहीं है, हमें मिलने वाला मुकुटों का बारे में हमें जानकारी चाहिए ना, मुझे कौन सा मुकुट मिलने जा रहा है, मैं किस प्रकार का मुकुट पाएगा, ये जानना कितनी जरूरी बात है। आज मुझे प्रभु का उस न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो मैंने मेरे जीवन में क्या बोया उसके अनुसार मैं फल काटने जा रहा हूं। इसलिए हमारे हरेक कामों में प्रभु की व्यवस्था के अनुसार, अभी आप देखो अभी मान लो आप सोचिए अभी मान लो 100 मीटर का रनिंग में मान लो 25 लोग भाग लिया, आखिर में 6 लोग मैंने भाग लिया, वो 6 लोगों में 3 लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला, बाकी लोग भी भाग लिया ना, उनको कुछ मिला नहीं मिला, क्योंकि वो विजय नहीं हो उनका परिश्रम में वो लोग विजय नहीं हो पाया। प्रभु के वचन ये बात कहता है, हमारे जीवन में हम जो प्रभु में कर रहे हैं ना वो काम को हमें जरूर परखना है, मैं जो भी प्रभु में ये जो काम कर रहा है वास्तव में प्रभु का ये वचन पर विश्वास करके प्रभु को ही महिमा मिलना चाहिए, इसी लक्ष्य में मेरा हर एक काम अगर नहीं रहा तो आपका काम लकड़ी घास भूसा है। आप जरूर संगति में आया, संगति में आकर के वचन सुना, और जो आपने सुना हुआ वचन को अपनाया नहीं, अपने जीवन में बहुत लोग वजन सुना, वजन के अनुसार उनके जीवन बदलता गया, उनके वजन मतलब रूपांतर होता गया, वजन के अनुसार उनका जीवन बदलता था, आप ही आया पर आपका जीवन बदला ही नहीं, आपका जीवन बदला ही नहीं, इसका मतलब आप प्रभु की उपस्थिति में आने का मकसद क्या था है? वो तो होता है, आप प्रभु के वचन सुनने के बाद में या आप प्रभु का वचन पढ़ने के बाद में यदि आपका वचन में थोड़ा भी बदलाव नहीं हुआ तो आपका वचन पढ़ने से या सुनने से आपको कुछ लाभ नहीं हुआ, आपने ये जो बोने का काम अच्छा रीति में नहीं किया, अच्छा रीति में नहीं किया। देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं है ना, अभी मतलब अपन एक एक दिन जो प्रभु की ओर से वचन सुनता है वचन पाता है हमारे जीवन में किन किन बातों में बदलना चाहिए वो प्रभु हमको सुनाता है, और जो कितनी बातों पर हमने अमल किया, जरूर आपने वचन सुना लेकिन आपने वो वचन को पालन नहीं किया, ये प्रभु का वचन जान करके उसको अमल नहीं किया कितना बड़ा दुख की बात है ना, है ना, प्रभु बिल्कुल अपना व्यवस्था नहीं तोड़ेगा, वो आग से उस दिन परखेगा, हरेक का काम परखा जाएगा, जरूर मतलब हम संगति में गए वो बात वहां पर मिलेगा, लेकिन जब वो आग से जब जाएगा उसको कुछ भी प्रतिबल नहीं, क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में क्यों आया था, एक अच्छा लक्ष्य से नहीं आया, उनका मतलब कुछ और था, इसलिए उसको प्रतिबल नहीं, उसको प्रतिबल नहीं, देखा इतना अर्थ बात है। इसका मतलब क्या है कि आज हम जो भी कर रहे हैं हम क्या कर रहा है, बोने का काम कर रहे हैं, उस दिन न्यायासन के सामने हमें उसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, वो काटने के दिन में हम उस समय में पछताने से हमें क्या फायदा, अभी से अगर बातों को समझेगा तो है ना, ये नीति वचन 16 अध्याय का दूसरा वचन में नीति वचन उसका 16 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, देखा यहोवा मन को तोलता है प्रियो, दुष्टता दुष्टता के साथ एक एक काम करता है, और लोगों को दिखाने के लिए अच्छा अच्छा काम करता है, लोगों से तारीफ भी पाता है, परंतु प्रभु क्या करता, हाँ उसका मन को तोलता है, मन को तोलता है, गंभीर बात है प्रियो, प्रभु हमारा मन को तोलता है, हमारे मन में उस समय में क्या भावना था, क्या विचार था, ये बात है,
उसके अनुसार प्रभु उसको प्रतिफल देता है ना। ये बातों को अगर हम जानेगा तो जब हम बाइबल पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, प्रभु का वचन सुनने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, प्रभु की उपस्थिति में आने के पीछे हमारे लक्ष्य क्या है, ये सारी बात मतलब उसका स्रोत हमारे अंदर उसका प्रभाव स्वर्ग देखता है। ये बात को देखना भी हर एक बातों में अगर प्रभु की ओर से अगर नहीं, प्रभु की आत्मा से प्रेरित नहीं है ना, प्रभु की महिमा का लक्ष्य भी नहीं, सारे काम हमने जो भी किया व्यर्थ किया, हमारा वो सारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा, वो सब जल जाएगा। बहुत ध्यान से समझना भी, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत बहुत लोग उस दिन लज्जित हो सकता है। जब इसलिए जब लूका 16:15 वचन में प्रभु ने बोला ना, मनुष्य के दृष्टि में जो भी जो ऊंची बात है परमेश्वर के दृष्टि में घृणित, मनुष्य जरूर वो बड़ा हमारा उपकारी है, बहुत कुछ बोल करके तारीफ करेगा, लेकिन प्रभु बोलता है वो घृणित है ना। इतना भयंकर बात है हमारे जीवन में, हमें परखना है अपन जो भी काम किया, आज तक जो भी काम किया मैंने किस लिए किया है, वास्तव में प्रभु मेरे जीवन से महिमा पाना चाहिए उस उद्देश्य में किया या और दिखावा में किया, यह बात को परखना भी हो। कोई लोगों से शाबाशी पाने के लिए किया गया, हाँ देखो व्यर्थ हो गया। कभी भी हम खुद अपनी थोड़ा प्रशंसा मिलना चाहिए बोल करके सोच करके किया क्या, आपने जो भी बोया व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया, आनंददा में उसका प्रतिफल नहीं। चाहे आप कितना भी अच्छा से अच्छा काम किया होगा, बहुत त्याग करके भी किया होगा, लेकिन उसके पीछे आपका एम जो है उद्देश्य शुद्धि अगर प्रभु का महिमा नहीं है तो आपको प्रतिफल नष्ट होगा वहां पर। इसलिए मैं आपको बोलता हूं हम सभी लोग अभी बटोर रहे हैं, हम एक प्रकार बोते प्रतिफल पाने के लिए हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। प्रभु प्रियो उस दिन हम क्या पाएगा। आज भी प्रभु के लिए क्यों ना थोड़ा कष्ट सहने की बात आ गया तो लोग कुड़कुड़ाता है ना, लेकिन वो कष्ट प्रभु ने क्यों दिया था है? याकूब 2:12 देखा, प्रभु ने ये कष्ट क्यों दिया था आपको जीवन का मुकुट पाने के लिए है? उस दिन एक बहुत बड़ा तोहफा पाने के लिए दिया था, लेकिन हम क्या कर दिया, वो कष्ट के सामने एकदम कुड़कुड़ाया है, एकदम हमने उसको खुशी से सहने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखा, आपने जीवन का मुकुट नष्ट कर दिया है। प्रभु हमारा हरेक सफर करने के बातों पर भी हम कैसा करता है करके प्रभु देखता है, आने से करता है या कुड़कुड़ाता है। प्रियो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, अगर हम सही प्रकार एक अच्छा योद्धा के नहीं तो प्रभु में काम नहीं करेगा, हम लोग जो सोचता है वो मुकुट हम नहीं पाएगा। हमें अच्छा फल मिलना है तो हमें अच्छा मतलब काटना है तो यहां से प्रभु का उन वचनों को उन व्यवस्थाओं को जान करके करना है, उसके लिए काम करना हमारा हर एक काम, इवन हमारा प्रार्थना क्यों ना हो, प्रार्थना जीवन है ना, जो भी प्रकार का, क्योंकि वो एक गुप्त काम है, किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। और आप सोचो कितनी बार आप दूसरे के लिए बोझ के साथ प्रार्थना किया, या पर एक टूटा हुआ दिल के साथ आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर पाया, ओरिजिनल प्रार्थना वो है ना। तो नहमिया का प्रार्थना, दानियेल का प्रार्थना सब हमने पिछले दिनों में बहुत विस्तार से सीखा। मैं आपको बोलता हूं एक बड़ा बोझ के साथ है ना, प्रभु की ओर से वास्तव में प्रभु बोझ देता है प्रभु का भक्तों को, तो वो प्रार्थना का भी बहुत बड़ा प्रतिफल है, किसने नहीं जाना, लेकिन आपका हमारे प्रार्थना से बहुत लोगों को आशीष मिला, बहुत बड़ी बात है। यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि हमें कैसा बोना है ना,
हमें जरूर आंसू बहा करके बोना है। इस जीवन में है प्रभु, इसमें मेरे लिए अच्छा फल लाना चाहिए, इस आग्रह के साथ हमें बोना है। आखिरी चारवा बात क्या है कि हमने जो पढ़ा था, परमेश्वर का खोज करना। क्या करना? परमेश्वर का खोज करना। प्रियो, ये एक उदार पाए हुए जन का रोज का एक अवस्था रहना चाहिए, रोज का अवस्था है ना। आपको मालूम है यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश देने के टाइम पर हमारे लिए सबसे प्रथम बात कर रूम में क्या बोला, हमारा मत्ती 6:33 Matthew 6:33 देखा, सबसे पहले है ना प्रभु को, उसका धार्मिकता को, उसका राज्य को, प्रियो उस बातों का खोज मिलेगा रहना। सबसे पहले हमारे जीवन में हम पहला स्थान प्रभु को देना, पहला स्थान। आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में वो पहला स्थान प्रभु को नहीं देता, इसलिए वो धोखा खाता है ना। प्रभु को रोज हमें प्राप्त करना प्रियो, प्रभु को प्राप्त करने में हम कांत करना, कई बार इस बात को थोड़ा गलत समझते हैं। अरे हमको प्रभु मिल गया ना, प्रभु मिल गया तो अभी क्या मिलने का, ऐसे ही क्या नहीं, हमें रोज प्रभु को पाने का है ना, रोज मसीह को प्राप्त करना। उसको समझने के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलिपियों का पत्र उसका 3:8-9 फिलिपियों 3:8-9 वरने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। देखा, अभी क्या मतलब प्रेषित पौलुस को मसीह नहीं मिला, मसीह मिला, लेकिन वो बोलता है मैं अधिक मसीह को प्राप्त करूँ, मैं और भी अधिक मसीह को प्राप्त करूँ। प्रियो, हमें रोज प्रभु को प्राप्त करना है। प्रभु को प्राप्त करने में हमें एकदम लक्ष्य लगा करके जीवन बिताना। हम अभी कहां तक प्रभु को प्राप्त कर पाए, जितना अधिक प्रभु को प्राप्त करेगा उतना अधिक हम मसीह के स्वभाव में उन्नति पाएगा, ये बड़ी बात है। इसलिए एशिया कहता है, एशिया 55 उसका 6 एशिया 55 का 6 जब तक वो निकट है प्रियो, अभी प्रभु सबसे निकट है, अभी यहां पर आया हुआ सबके पास प्रभु खड़ा है। अभी हमें प्रभु को प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवस्था है ना, बहुत बड़ी बात है। आप प्रभु को उपस्थिति को अपना निकटता में जान पा रहे क्या है? एक बार प्रभु यीशु मसीह यरीहो में उतर जा रहा था, बर्तलोम आया अंधा, वो प्रभु को पुकारा, चेले लोग भी जाकर बोला शांत, लेकिन वो और भी जोर से पुकारा, क्योंकि उनका इच्छा क्या था, छुटकारा, उसका इच्छा छुटकारा था। उसको मालूम है ये ऐसा वक्त मेरे जीवन में बार बार नहीं आएगा, अभी यीशु मसीह निकट है, इसलिए उसने और भी चिल्ला कर पुकारा, प्रभु वहां पर रुक गया, प्रभु वहां पर रुक गया, उसको बुलाया, तुझे क्या चाहिए? प्रभु मुझे कुछ धन चाहिए, इसे बोला नहीं, वो एक ही बात बोला, क्या चाहिए? हाँ पढ़ना उसको, रबी मैं देखने लगूं, है मुझे क्या चाहिए? रोशनी चाहिए, रोशनी चाहिए, है देखा प्रियो, है प्रियो, आज हमें अभी यहां पर भी प्रभु है, और कितने लोग प्रभु को देख पा रहा है, कितने लोग प्रभु से और भी वो प्रकाश मांग रहे दिल से है। सुनने वाला बातों का भी प्रकाश हमें मिलेगा, तभी उसका सही फायदा रहता है, बहुत बड़ी बात है। बर्तलोमाई ने वो अवसर को नष्ट नहीं किया, और उन्होंने कभी पीछे जो छोड़ कर गया उसके पीछे वापस नहीं गया, वो मसीह के पीछे हो लिया, बहुत बड़ी बात है। तो जब प्रभु निकट है उस समय में उसको पुकारना पड़े,
अभी हम जब इकट्ठा है प्रभु का वायदे के अनुसार प्रभु हमारे बीच में है, उसे बढ़ करके हम हर एक व्यक्ति के पास खड़ा हो, हम लोग देख पाता है प्रभु के वचन के आधार में बात को हमें देख करके प्रभु के चेहरे पर देख करके एक अच्छा स्माइल। मैं आपको कई बार बताया सवेरे उठ करके क्या करना, हाँ प्रभु की ओर देख करके एक स्माइल करना, प्रभु धन्यवाद देता हूं अपने रात पर मुझे संभाला, दुख मुसीबतों से बीमारियों से और हर प्रकार के अंधकार के कामों से मुझे बचाकर एक और नया दिन मेरी आयु में जोड़ कर दिया। आज भी आपके संग चलते हुए आपका महिमा करने के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। एक दो शब्द बोल करके फिर वहां से उड़ना पड़े, कितना अच्छी बात है। मैं आपको बोलता हूं प्रभु का दिल में बहुत आनंद रहेगा, प्रभु को बहुत खुशी लगेगा। आप सवेरे उठते प्रभु की ओर देख करके ये सब जिसको विश्वास है वो करेगा। मैंने वो एक बार नहीं आपको बहुत बार बताया, लेकिन आप थोड़ा सोचिए आप में से कितने लोग सवेरे उठकर कैसे किया कभी, कुछ लोग किया होगा शायद। आप करके देखो भैया, आप थोड़ा करके देखो। आप सवेरे से टेंशन से उड़ेगा तो कई बार क्या होता है नींद होने के बाद में थोड़ा दो मिनट थोड़ा चार पाई पर लेटे लेटे कुछ लोग सोचता है, सोच में थोड़ा टेंशन आ जाता है, टेंशन आने के टाइम पर प्रभु को दिखता है, फिर हर हमेशा वो टेंशन दिखता है, वो टेंशन में भागता है, भागने के टाइम पर कहीं गड़बड़ी भी होता है। भी आप प्रभु को देख करके आप अपने कदम बढ़ाकर देखो प्रभु क्या अगुवाई मिलता है, आपको मालूम पड़ेगा प्रभु आपका हाथ थामा हुआ है। ये बात सच है, मैंने आपको कितना बार बोला, मैंने आपको बताया आपको यदि सवेरे उठना होता ना, सवेरे उठने के बारे में पिछले दिन में बहुत अच्छा समझाया। मुझे आज एक भाई का फोन आया था, बोला सैटरडे का संदेश मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया, बहुत मेरा जीवन में हमारे जीवन में बहुत बातों में बदलाव आने का कारण हुआ करके आज बात किया, हमारे बीच में आकर गया हुआ एक भाई है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये वचन सुनने के बाद में जीवन नहीं बदलता तो स्वर्ग में कोई आनंद नहीं होता। स्वर्ग को आनंद करने वाला एक व्यक्ति बनना चाहिए, हमारे एक लोग ये जानना है अपने जीवन में। मैं आपको कई बार बताया, मैं बोलता था कि मैं सोने के टाइम पर पक्का मैं स्वर्गदूत को बोलता हूँ मुझे 3 बजे जगाना, क्योंकि मुझे मालूम है मैं तो सो जाएगा, मुझे कौन सा टाइम मालूम है 3 बजे गया कि नहीं। मैं आपको बोलू ना, आज तक स्वर्गदूत बहुत विश्वासियों के काम किया बराबर 3 बजे, अभी पीछे में मैं 4 बजे कर दिया था, 4 बजे ही जगाता था। अभी ये भी एक गर्व की बात है, रोज 3 बजे जगने वाला मैं, थोड़ा थकावट के कारण मैंने बोला 4 बजे बराबर 4 बजे जगा, मैं भी चकित हो गया। मैं बोला यार कितना बंजल है ना स्वर्गदूत, कितना बंजल है, ये बात सच है ना। मैंने आपको कई बार बताया, मैं ये गाँव में भी जाकर बोला ना, कई प्रभु के दास लोगों ने अपने जीवन में वो बात एक्सपीरियंस किया और लोग गवाही दिया कि नहीं मैंने बोला वो बात सच है। क्यों? क्योंकि इब्रानियों 14 में क्या लिखा, स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत हमारे सेवक आत्मा है, क्या है? देखा उधार पाए वो, अरे तो उधार पाए वो लोग, इधर ही उधार पाए वो लोग, आप लोग अभी तक समझे आपके साथ आपका सेवा के लिए स्वर्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 स्वर्गदूतों को भेजा है, कम से कम जरूरत पड़ने पर ज्यादा, संकट में ज्यादा संकट में पड़ेगा तो ज्यादा स्वर्गदूत भेजेगा, वो प्रभु का प्रबंध है, वो सब प्रभु का प्रबंध है। प्रियो आज तक मैं आपको बताओ, अरे अभी आपका घर में एक नौकरानी है, आपने कभी भी उसको कुछ बोला नहीं तो उसको कितना मजा है, वो भी बोलेगा ये स्वामिनी बहुत बुद्धू है, क्योंकि मैं साथ में रहते हुए मेरे से कुछ काम नहीं कराता, सही बात है। आज से बोलकर देखो, आज बोल करके संडे को गवाही देना, एक दिन के लिए नहीं रोज, हाँ रोज ड्यूटी देना ना, है रोज ड्यूटी देना है। आप थोड़ा अभ्यास कर, आप
ये वजन में लिखा हुआ कोई बात झूठ है क्या? ये सब सच बात है, ये सब सच बात है ना। आपका बात सुनने के लिए स्वर्गदूत तैयार है, लेकिन आप कभी भी बोलते ही नहीं। अभी आपको मालूम है, गलती से योहन्ना ने दो बार स्वर्गदूत के पाँव में गिरा। स्वर्गदूत ने उसको क्या बोला, क्या बोला है? क्या बोला आपको नहीं मान बताओ है? प्रकाश के वाक्य देखा कितने बड़ी बात है। मतलब जब ये सब दिखाने वाला स्वर्गदूत की बाहु में जब योहन्ना गिरा, तब स्वर्गदूत ने उसको क्या बोला? उसका 22 अध्याय, उसका 8-9 बजे पढ़ना। मैं वहाँ योहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वाले का संगी दास हूँ। देखा क्या समझा? हाँ, हम लोग तुम लोगों में सेवक के लिए भेजा हुआ भाई, हमारे पाँव में क्यों गिरता? देखा उसका 19 अध्याय का 10 बजे। तब वह मुझे आत्मा में बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी। तब मैंने उसको दंडवत करने 19 का 10 पढ़ा आपने। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। बस मैंने 19 का 10 बोला। गलती से हो सकता है, मैं कभी कभी गलत रेफरेंस बोलता है। ओके, अब तो बराबर लिखना 19 का 10 में भी क्या बोलता योहन्ना। देखा प्रियो, हम कभी भी ये दुनिया में रहते वक्त प्रभु को छोड़ करके और किसी को दंडवत नहीं करना, आराधना नहीं करना है। क्या मर योहन्ना दो बार दूध के पाव में गिरा है प्रियो। अरे एक पवित्र लोग ये जानना प्रियो, एक छोटा सा सादा सा सादा, हम लोग दुनिया के रीदी में प्रभु के लिए सब मूल्यवान है, सबका आत्मा का दाम एक ही है, लेकिन एक सादा सा सादा व्यक्ति के साथ भी एक नहीं स्वर्ग दूधों में रहता है बहुजन में। जब तो यीशु मसीह ने बोला था मत्ती 18 अध्याय, उसका 18 अध्याय में 10-11 बजे पढ़ना। देखो मैं तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न डालना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूध मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। देखा स्वर्ग में उनका दूध, आपके एक वजन में है क्या है? मतलब एक वजन में नहीं आना चाहिए, मतलब बहुवचन में आना चाहिए। तो मतलब उस आधा सा आधा विश्वासी का भी सेवा करने वाला स्वर्गदूत हमेशा वहां पर रिपोर्ट देता है। आप देखो हमारे जीवन का एक रिपोर्ट वहां पर देते रहता है। स्वर्गदूत को स्वर्ग जाने के लिए आने के लिए टाइम लगता है क्या? नहीं लगता। आप देखो फिर है, इसलिए अपने को यह बात को जानना, हमारा हरेक कामों को मतलब स्वर्गदूत भी देखता है, वो हमारी सेवा के लिए नियुक्त है। अभी यहाँ पर मैं इसलिए कई बार बोल रहा हूँ, इधर ये संदेश होने के टाइम पर इधर जितना लोग बैठा है उसका कम से कम डबल स्वर्गदूत है, उसका डबल कम से कम स्वर्गदूत है। वो भी ये बात को जो भी एक एक जन जो सुन रहे हैं उसे भी ध्यान से वो सुन रहे हैं ना। अभी स्वर्गदूत को भी मालूम है हम कितना ध्यान दर करके सुनता है और सुना वो बात को कहां तक माना, ये सब रिपोर्ट वहां पर मिलते रहता है। हाँ देखो है, ये समझ हम रहते हैं क्या है? तो स्वर्गदूत हमारा आपको गिरने से कौन बचाता? स्वर्गदूत वहां पर बचाता है आप।
स्वर्ग दूतों को आज्ञा दिया हुआ है, हमें कितनी बार कितनी ऐसी विपत्ति से बचाया हमको मालूम नहीं, ऐसा में प्रभु उधर जाने के टाइम पर बचाएगा। तो इसलिए अभी हमें प्रभु को प्राप्त करना पड़े, प्रभु के खोज में लगे रहना हमारे कर्तव्य है, प्रभु का खोज में लगे रहे। जब 105 का चार पढ़ना, 105 का चार, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। देखा, लगातार उसका दर्शन का खोजी बने रहो, लगातार करना पड़े, लगातार हमेशा एक भक्त का कर्तव्य है। वो बहुत बड़ी बात है ना, हमारा एक सच्चा विजय जीवन के लिए हमें प्रभु को प्राप्त करने के लिए उसके खोज में लगे रहना है। किन किन प्रकार में प्रभु का और भी प्राप्त करूं, प्रभु को मैं जीत पाऊं, उसके प्रयास में रहना पड़े। हमारा सबसे बड़ा धन, मैंने कहां तक मसीह को प्राप्त किया, वो है सबसे बड़ा धन, भा सकता है क्या? अरे समय में एक उधार पाए हुआ छोटा छोटा झुंड रहता है, परंतु उधार पाने का अवस्था व्यवस्था अलग अलग है ना। मोशा से लेकर के जब व्यवस्था दिया तो उनको व्यवस्था की पालन करने के द्वारा आशीष मिलता था, परंतु उससे पहले उनको व्यवस्था नहीं मिला, उस समय में मन की गवाही, उनका मन की गवाही के अनुसार कार्य। लेकिन हर समय में, क्योंकि योग के समय में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं दिया, लेकिन प्रभु उस समय में भी स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करते थे, उनके मन में ये गवाही होती थी। इसलिए मानव उसको भी मालूम है, पुराने समय से लोग अब्राहम बोलेगा तो माला आदम से दसवा पीढ़ी है, तो अब्राहम मतलब उस दसवा पीढ़ी का अब्राहम तक का लोग बहुत कुछ सुनते आया है ना, सुनते आया। तो वहां से उस समय के करीब लोग मतलब व्यक्ति है, जब युग ने भी वो बात सुना था, इसलिए युग बोला ना मेरा चुड़ाने वाला जीव दे। मतलब क्यों? क्योंकि यह दिन पाटिका में दिया हुआ वो व्यवस्था युग को मालूम क्या है, बिनी के द्वारा, खून बहाने के द्वारा। इसलिए युग का भी जीवन में हमेशा बलिदान होता था, वो बलि करते थे। मतलब जो भी लोग, बहुत कम लोग हैं उस समय में इस प्रकार का विश्वास करके किया करता था, जैसे अब्राहम ने भी किया है, मतलब युग ने भी किया। युग इसलिए हिम्मत से बोला ना, जब युग 19 अध्याय का 25-27 तक वजन, युग की किताब 19 अध्याय का 25-27 तक वजन, देखा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मतलब क्या है कि युग का उस समय में छुटकारा मिला है, उसका उधार हुआ है, बात समझा? उस समय की व्यवस्था के अनुसार उधार पाया व्यक्ति युग है, इसलिए प्रभु ने उसके बारे में गवाही दिया। एक हल्की बात नहीं प्रियो, है ना, बहुत बड़ी बात है ना। जब मानव दाविद उधार पाया व्यक्ति है, क्योंकि प्रभु की आत्मा उसमें था, इसलिए प्रभु दाविद बोला मैं तेरी आत्मा को मेरे से ना निकाल और तेरा उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे, क्योंकि बहुत लोगों को प्रभु ने प्रभु के अनुग्रह से उस व्यवस्था में भी उद्धार किया। आज हम लोग व्यवस्था के अनुसार नहीं उद्धार पाया, हमारे लिए उद्धार का एक ही कारण विश्वास था। कितना आज मंडली के लोग, हम लोग है ना, कितना धन्य लोग है। मैं आपको बोलता हूँ, इस प्रभु को वजन को जानेगा तो उस समय में भी आपको मालूम है, उस समय में भी प्रभु ने व्यवस्था देने के टाइम पर भी उनके लिए आशीष कब था, व्यवस्था पालन करेगा तब है। क्योंकि जब अनुवाद का किताब 28 अध्याय का 13 वचन तरह पढ़ना, व्यवस्था विरत अनुवाद उसका 28 अध्याय का 13 वचन, जो भी आज्ञा मैं सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। देखा, मन लगा करके तुम उसको मानते हुए जाएगा तो देखा है? अभी उस प्रकार अभी युग के समय में ऐसा व्यवस्था
नहीं था, नहीं था। अब देखिए, देखो आज हमारे लिए वो व्यवस्था का बात है क्या? नहीं, क्योंकि व्यवस्था का अंत कौन है? प्रभु यीशु मसीह, रोमियों 10 का 4 में लिखा है ना, व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह है। आज हमारे उद्धार कैसे हुआ? कोई व्यवस्था पालन करने के द्वारा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं है ना। एफिसियों का पत्र दूसरा अध्याय का 8 वचन कितना सुंदर वचन है, प्रभु विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और ये न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, देखा, मतलब हम लोग कोई भी व्यवस्था को पालन करके उद्धार नहीं पाया, लेकिन आज भी हमारे कर्तव्य क्या है? हम प्रभु का खोज में लगा रहना, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। प्रेरित पौलुस अगर प्रभु को प्राप्त करने के लिए दौड़ा है तो हमें उतना अधिक दौड़ना चाहिए, क्योंकि सारा प्रकाशन प्रभु ने हमें वचन के द्वारा हमको दे दिया है, है? कोई भी समय में प्रभु को प्राप्त करने के लिए ये जो खोज करना, कैसे खोज करना है? व्यवस्था विरण उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ना, अनुवाद व्यवस्था विरण उसका 4 अध्याय का 29 बना हो, परंतु उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। देखो, मतलब कैसा प्रभु का मतलब खोज करना है तो पढ़ना फिर से वापस, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। हाँ, देखा, मैं भी सोच रहा था कि भजन में कहाँ मिस्टेक आ गया। हाँ, ठीक है, आपको बराबर मिल गया ना, मेरे 4 अध्याय का 29 बोला ना। ओके, तो वापस पढ़ना था। परंतु यहाँ अभी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से, हाँ, देखा, वहां पर भी एक शर्त है, ऐसे करना पूरे मन से। अभी आप यहाँ पर आया, कैसे आया? मन लेकर आया कि नहीं? हाँ, पूरे मन से इन बातों को सुनना भी, प्रभु को प्राप्त करने के उस लक्ष्य में पूरे मन से इन बातों को सुनना। देखिए, बार बार प्रभु का वचन कहने वाले एक बात कहना, हम प्रभु का खोज में क्यों लेकर रहना प्रिय, इसका खास कुछ बात है ना। आमोस का किताब से मैं 2-3 शब्द एक ही अध्याय से आपको बताऊंगा, उसका 5 अध्याय, आमोस का किताब उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। आमोस, यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहो। हाँ, देखिए, जीवित रहने के लिए प्रभु का खोज में लगा रहना भक्तों के कर्तव्य, जीवित रहने के लिए। उसका 6 वचन पढ़ना, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। देखा, तब जीवित रहेगा, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहेगा। उसकी 14 वचन पढ़ना, लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहोगे। देखा, तुम भलाई को ढूंढो, बोलेगा तो प्रभु को ढूंढो, प्रभु को ढूंढेगा तो हम जीवित रहने का कारण बनेगा। देखा प्रियो, आज कितने लोगों ने प्रभु का खोज करना तक छोड़ दिया, उनको लगता है कि मैंने पा चुका है। नहीं प्रियो, हम पा चुका, सिद्ध हो चुका, ऐसे एक भावना हमारे अंदर आना नहीं, क्योंकि उसमें भी एक शब्द में प्रेरित पौलुस का गवाही से बदलना चाहूंगा, वही फिलिप्पियों 3 का 12 वचन थोड़ा पढ़ना। देखा, ये मतलब नहीं, मैं पा, बहुत लोगों का, कुछ विश्वासियों का कुछ गलत हुए, मैं बस, मैं तो ग्रहण किया भाई, मेरा उद्धार हो गया, बस बस बहुत हो गया, अभी मुझे कुछ ज्यादा कुछ ये करने का, प्रभु के दास लोग मुझे ज्यादा मतलब टेंशन में दबाव में मत रहो। नहीं प्रियो, आपको कोई दबाव में नहीं खिला रहा हो, आपको नहीं समझता, आपको प्रभु का संगति में रह करके प्रभु में और भी उन्नति पाने का जरूरत है। उसका मकसद क्या है आपको मैं बताता हूं, पहली बात तो सिर्फ जीवित रहना, उतना ही नहीं प्रियो, इसकी एक खास बात है, वो क्या बात है आपको मालूम? आप प्रभु के खोज में लेगा रहेगा तो, वाम से मैं एक अनोखा बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप
ऐसी अवस्था में रहेगा तो भली बात आप प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान है। कौन है? बुद्धिमान है। कौन सा वचन? वचन संहिता 14 अध्याय का दूसरा वचन क्या बोलता है? मतलब कोई समझदार, कोई बुद्धिमान। बुद्धिमान लोगों के एक लक्षण है वो प्रभु का खोज में लेगा रहेगा, प्रभु का खोज में लेगा रहेगा। आपको मैं बताऊं, जो व्यक्ति प्रभु के खोज में लेगा रहेगा प्रभु उसका अनुकूल रहेगा। एक बड़ी बड़ा लाभ है, एक बड़ा लाभ है ना। जब एसरा नबी की किताब एसरा उसका 8 अध्याय का 22 वचन एसरा उसका 8 अध्याय का 22 वचन क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कर चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। बोलने का अर्थ प्रभु के खोज में रहेगा तो प्रभु उनको सहायता के लिए हमेशा साथ रहेगा। प्रभु साथ रहने वाले एक बड़ा अनुभव अभी इस आखिरी समय में आया हुआ हमारे जीवन में इसका इंपोर्टेंस क्या है करके मैं उठाकर कहना चाहता हूं। ये 2-3 रेफरेंस आप जरूर पढ़ना और ये दिल में लिखा रहना ताकि आप प्रभु के खोज में से वंचित ना रहे, क्योंकि हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में। प्रभु के आगमन में अगर हम उठा लिया नहीं जाएगा फिर हम कहां जाएगा? महाक्लेश में। कहां जाएगा? महाक्लेश में। आने वाला वो महाक्लेश का ट्रिब्यूलेशन का समय में चला जाएगा। इसलिए उसे भी बचने के लिए प्रभु की खोज में लगा रहना जरूरी बात है। ये 2-3 रेफरेंस आप पढ़िए। सबन्या की किताब उसका 2 अध्याय का 3 वचन सबन्या, सबन्या समझता है ना? हाँ, सबन्या का किताब, ऐसे एक किताब है बाइबल में ना। हाँ, कई लोगों को सबन्या वो पहली बार सुन रहे ऐसे लग रहे हैं। सबन्या 2:3 हाँ, पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियम के मानने वालों, उनको ढूंढते रहो, धन को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन दिन में शरण पाओ। देखा, बोलने का अर्थ क्या है? उस क्रोध तुम पर नहीं पड़ेगा, समझ में आया? वो क्रोध तुम पर नहीं पड़ेगा, तुम उस क्रोध से बच जाएगा। प्रभु का खोज में लगे रहना प्रियो, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। इस व्यक्ति को यह दर्शन मिला है प्रभु का खोज में रहने वाला। आप देखो ना, अपन उधर न्यायासन के सामने जाने के टाइम पर हमें सही प्रकार प्रतिफल सम्मान पाना है तो आज यहां पर हमारा सबसे बड़ी बात है प्रभु का खोज और प्रभु आनंदित होने वाला वो बात, आनंद काल की बात, उसकी खोज। अच्छा, पहले मैं 3 रेफरेंस आपको पढ़ाता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:10 प्रकटीकरण उसका 3:10 तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। सारी दुनिया में होने वाला महाक्लेश के दिन में हमें ना पढ़ने देते हुए प्रभु हमको बचाएगा। प्रभु का वायदा है, कितना अच्छी बात है ना, है ना? कितना अच्छी बात है प्रियो, हम प्रभु का खोज में रह रहे। आज आप प्रभु के खोज होकर के प्रभु को मस्जिद में आया, प्रभु को पा रहे हैं कि नहीं? ये वजन पाने के समय में आपको आपके अंदर वास्तव में हिम्मत बढ़ रही है कि नहीं? इन वजनों को थामा रहना प्रियो, आपके पास जो वजन आता है वो वजन में बना रहना, उसको थामा रहना, किसी प्रकार उसको जाने नहीं देना, उसको चोरी करने नहीं देना, क्योंकि विरोधी शैतान के नशी क्या हमारे पास है? वजन चोरी करके ले जाना है, चोराएगा। और इतना मूल्यवान वजन को जाने नहीं देना। और एक वजन है ना, दूसरा पहला तसलोनी क्यों पहला अध्याय का दस वजन और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बात जोते रहो, जिसे उसने मरे हों में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचा।
करेगा तो उस महाकलेश में से बचाएगा, बचाएगा प्रभु हमको बचाएगा। प्रियो सबसे बड़ी बात है, सबसे उत्तम बात है, बड़ी बात हम प्रभु की खोज में लेकर रहे, प्रभु को प्राप्त करने के लिए उत्साही बनना, पूरा दिल लगा करके उसको पाने के लिए उत्साही बनना। दूसरा आपको मालूम है आनंददा का लाभ की बात ही हम सोचता है ये छोटा जीवन में। दूसरी बात क्या है, पड़ोसियों के पत्री तीसरा अध्याय के पहले वचन, ये सब आपको सुपरिचित वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ चिल्लाए गए स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो। हाँ देखा, अभी हमारे खोज क्या होना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुएं, आनंददा की बातों को प्राप्त करना पड़े। अभी आपको मालूम है आनंददा की बहुत से बात मतलब बाइबल में बार बार हमें नया जन्म देने के उद्देश्य तक आनंददा की बात प्राप्त करने के लिए अविनाशी बातें होंगे, तो उस बातों को प्राप्त करने के लिए प्रयास में रहना, ये खोज में लगा रहना हमारे कर्तव्य है। सच में पवित्र लोग वही किया है ना, इब्रानियों के पत्री में उसका 13:14 इब्रानियों, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर नगर नहीं। हाँ देखा, पवित्र लोग मालूम है प्रिय, एक बात में एक बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा स्थिर रहने वाला कोई भी ऐसी जगह नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। देखा, आने वाला एक नगर का खोज में उधार पाए हुआ सबको ये दर्शन है भैया, ये दर्शन हमको मिला है कि नहीं है, और हमें उस दर्शन नहीं मिला तो एक सही दौड़ नहीं दौड़ पाएगा। उसी का इब्रानियों 11:14 पढ़ना, 11:14 ऐसी बातें करते हैं, देखा स्वदेश की खोज में है। प्रियो हम लोग ये दुनिया में परदेशी है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हम स्वर्ग का नागरिक है। ओह कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना, मैं एक स्वर्गीय नागरिक है करके जानना कोई छोटी बात है ना। अभी हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाया है ना, स्वतंत्रता दिन मनाया, क्यों हम भारत में रहता है, भारत के लोग आजादी पाया हुए लोग है ना, उस आजादी की खुशी बनाया। मैं एक बात आपको बताऊं, आज हम स्वर्गीय नागरिक है तो वो स्वर्गीय नागरिक का उस प्राउडी हमारे जीवन में है क्या, उस बात का गौरव। देखो मैं एक इंजीनियर बोलने में बहुत खुशी है ना, तो मतलब वर्ल्ड में इंडिया का मतलब महत्व बहुत अच्छा है आज का स्टैंडर्ड में, बहुत बड़ी बात है, ऐसा उससे बढ़ करके बढ़िया बात है ना कि मैं स्वर्ग का नागरिक है, है? क्यों, क्योंकि जिसका नया जन्म हुआ उसको मालूम, क्योंकि ये हमने कोई खरीदा हुआ कोई बात है क्या, नहीं नहीं, ये हमें जन्म के द्वारा मिला। देखो अभी आपको सबको मालूम है हम इंडियन नागरिक है तो इंडिया में जन्म लिया 7 दिन के अंदर पंचायत में नहीं तो म्युनिसिपैलिटी में हमारा नाम नोंद होगा, परंतु स्वर्ग का नोंद कब हुआ, जिस समय में हमने नया जन्म पाया उसी घड़ी में, 7 दिन नहीं लगा, तुरंत जीवन का किताब में नाम लिख दिया, तो हम स्वर्ग का नागरिक है, हम स्वर्ग का नागरिक है, जो भी नया जन्म पाया वो स्वर्ग का नागरिक है ना। अभी हमको मालूम है हमको लेने के लिए यीशु मसीह आएगा, हमारे स्वदेश में हमारा हमें जाने के लिए हमें वेट करना है प्रभु का आगमन के लिए, वो इंतजार में अभी, उस इंतजार करते करते हमारे कर्तव्य क्या है, हमें आनंददा की बातों पर ध्यान करना, प्रभु का खोज में लगे रहना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रियो, कितना अच्छी बात है ना, वो होशिया उसका और एक बार वो शुरुआत का वचन पढ़ेंगे 10:12 होशिया 10:12 अपने लिए धर्म का भी को, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, अभी वो समय है प्रियो, अभी इन दिनों में हम अधिक से अधिक प्रभु को प्राप्त करने का समय है। प्रियो आज हमें रोज ये बात को पढ़कर देखना है कि मैं रोज रोज मसीह को मैं कहां तक प्राप्त कर पाता है, पिछले दिनों से बढ़ करके मैं मसीह को प्राप्त कर पाया है कि नहीं, ये बात को जानना। तो प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रियो हमारे एक लोग को भाई देना चाहिए, पिछले दिनों से बढ़ करके मैं मसीह को प्राप्त कर पाया, आज मैंने मसीह बीच में जीवित है, ये बात का गवाही देकर एक सच्चा बीजी फलदायक पवित्र जय जीवन बिताने के लिए
प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को सारा महिमा देता हूँ, प्रभु को सारा महिमा मिले। आमीन।